इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्पेन और दोस्तों जर्मनी के होने वाले आज के दोस्तों 4 T10 मैच के बारे में। देखो दोस्तों, स्पेन और जर्मनी ना दोनों का जो परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट में, बहुत अच्छा भी नहीं रहा है, बहुत ख़राब भी नहीं रहा है। दोनों दोस्तों अभी जो टीम है ना क्वालिफाई कर सकती है क्वार्टर फाइनल के लिए, दोनों अभी तक टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है। तो दोनों टीम चाहेगी इस मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस करना, और दोनों टीम तो चाहेगी, हम लोग भी कोशिश करेंगे इस मैच में जितना हो सकता है उतना प्रॉफिट इस मैच से अर्न करें। अब देखो, यदि आप स्मॉली खेल रहे हो इस मैच में या दोस्तों ग्रैंडली खेल रहे हो, दोनों के रिगार्डिंग दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि किस प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना है, किस 11 प्लेयर के साथ आपको SL में 2 मेंबर और 3 मेंबर प्ले करना है। यदि दोस्तों आप ग्रैंडली खेल रहे हो तो किस प्लेयर के साथ आप रिस्क ले सकते हो, किस 7 से 8 प्लेयर को एज अ बेस रखोगे और 3 प्लेयर को आपको रोटेट करना है 3 से 4 कम्बिनेशन में। टोटल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो को वॉच कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और वीडियो को समझिएगा बारीकी से, ठीक ना। कोई क्वेश्चन हो नीचे कॉमेंट सेक्शन तो दोस्तों आप ही के लिए ना है, कोई क्वेश्चन हो, कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो पूछ लीजिएगा, ठीक ना। उसमें दोस्तों कोई हिचकिचाइएगा नहीं, आराम से पूछ लीजिएगा। और एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, जो भी मैं स्मॉली का टीम अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस टीम में यदि बाय चांस कोई प्लेयर अब्सेंट हो जाता है तो फाइनल कम्बिनेशन एक बार चेक कर लीजिएगा कि मैं टेलीग्राम पर आपके साथ क्या शेयर किया हूँ। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, इसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजाते, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो अब चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन में आइएगा तो दोस्तों यहाँ पे ना आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा एम इंसान, जो आपके लिए देखिए तो मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है, क्योंकि अदर जो दो ऑप्शन है चाहे ए अहमद हो या दोस्तों एस मैंडी हो, ये दोनों प्लेयर दोस्तों बैटिंग करने आते नहीं है, और एम इंसान आपको सभी मैच में 3 से 4 नंबर पर बैटिंग करने आ जाते हैं और बैटिंग से एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा इन्हीं को लेके जाओ। अब बात करें बैटिंग सेक्शन, तो दोस्तों बैटिंग सेक्शन में जे खान और डी कॉले, ये दो प्लेयर तो आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतने इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों प्लेयर को कैप्टन वीसी भी करना चाहते हो ना तो मैं नहीं रोकूंगा, आप कर सकते हो। दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और दोनों दोस्तों अपने टीम के लिए ना ओपन बैटिंग करने आते हैं, तो इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको हरमनजोत सिंह का ऑप्शन मिलेगा। देखो दोस्तों, हरमनजोत सिंह ना अच्छा प्लेयर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट 2 मैच इसने जो खेला है वहाँ पे इसको बैटिंग से बहुत ज़्यादा चांस नहीं मिला, और चांस मिला भी तो भाई ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, 0 रन स्कोर करके आउट हो गए। सिलेक्शन हाई है, आप रखना चाहते हो, मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगा ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्राई कीजिएगा जहाँ पे 3 बैट्समैन रखना कंपलसरी होता है। यदि ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलते हो जहाँ पे आप 2 बैट्समैन के साथ जा सकते हो, वहाँ आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। फिर नीचेगा बी खान खेल नहीं रहे, और खेल भी रहे हैं तो भाई का कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, इसी वजह से मैं इनको पिक नहीं कर रहा। नीचे से एक प्लेयर पे आप चाहो तो ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो, नाम है दोस्तों इनका जुकबर्ग। देखो ये जो प्लेयर है ना, लास्ट जो मैच इसने खेला है वहाँ पर ये ओपन बैटिंग करने आ गया था अनएक्सपेक्टेड, ये ओपनर नहीं है, लेकिन लास्ट मैच में टीम इसको ओपनिंग के लिए भेजी थी और भाई ने 24 रन करीब स्कोर करके आउट हुए थे। हीटर है, टोटली हीटर है, मिस एंड हिट टाइप का प्लेयर है। यदि दोस्तों इनके रेंज में बॉल आएगा ये उड़ा देंगे, और ये भी है दोस्तों कि यदि मिस होता है तो LPW बोल्ड। तो ऐसे प्लेयर को मैं स्मॉल लीग में तो बैक नहीं कर पाऊंगा, GL में आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओके। अब बात करें दोस्तों हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन, तो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में आपको सलीम दार का ऑप्शन मिलेगा, जो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, इनको ड्रॉप मत कीजिएगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस पूरे टूर्नामेंट में, और साथ ही साथ बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं। फिर नीचेगा एस अफरीदी जूनियर, लास्ट 2 मैच एस अफरीदी का बहुत ख़राब रहा है, आई नो दोस्तों, लेकिन उससे पहले भाई ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लास्ट 2 मैच खराब गया है आई नो, लेकिन इस मैच में मैं इनको बैक कर रहा हूँ, क्योंकि एस अफरीदी अच्छा प्लेयर है, टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है, और सभी मैच में ना आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आ जाता है। यदि दोनों ओपनर में से कोई भी आउट होगा ये आपको बैटिंग करने आ जाएंगे, साथ ही साथ आपको डेथ में बॉलिंग भी करने आ रहे हैं। फिर नीचे आएगा एम बावर का ऑप्शन मिलेगा, जो लास्ट 6 मैच से खेल नहीं रहे, तो इसी वजह से मैं इनको पिक नहीं कर रहा हूँ।
स्टार्टिंग के मैच खेले थे इस टूर्नामेंट में और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा लाजवाब था, लेकिन लास्ट बहुत 5-6 मैच से खेल नहीं रहे तो रिक से लेना, इसलिए मैं अभी नहीं रख रहा हूँ। और यदि खेल जाए ना तो आँख बंद करके रख लेना, मैं रुकूंगा भी नहीं दोस्तों, ठीक ना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है खेलेंगे। मैं नीचे से ए वसीकरण को रख रहा हूँ जरूर, लेकिन ध्यान रखना मैं इनको ड्रॉप आउट भी कर सकता हूँ। रीजन बताता हूँ, ए वसीकरण लास्ट मैच में ना 5 नंबर पे बैटिंग करने आया था, 5 नंबर पे, और ये हमेशा ओपन बैटिंग करते हैं। सिर्फ यदि आप लास्ट मैच निकाल दोगे, उससे पहले इन्होंने जितना भी मैच खेला है ना सभी मैच में ओपन बैटिंग किया, लेकिन लास्ट मैच में बहुत नीचे बैटिंग करने आए थे और इनके जगह दोस्तों जर्मनी ने ये जंग बर को दोस्तों ओपन करने के लिए भेज दिया था जे खान के साथ। तो यही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैं इनको पिक जरूर कर रहा हूँ लेकिन बैटिंग पोजीशन के हिसाब से मैं इनको चेंज कर दूंगा, ओके। फिर नीचेगा वाईएलई का ऑप्शन मिलेगा, आप ड्रॉप करके चलो दोस्तों, लास्ट 2-3 मैच से खेल भी नहीं रहे और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रहा है। एम आसिम दोस्तों बैटिंग पोजीशन कभी भी फिक्स नहीं रहता है, और परफॉर्मेंस भी देखें तो स्टार्टिंग के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन लास्ट कुछ 2 मैच उसे देखोगे तो टोटली फ्लॉप रहा है। और बॉलिंग दोस्तों किसी मैच में ये करते नहीं है। स्टार्टिंग का मैच आप मैं दिखाऊं तो स्टार्टिंग के 3 मैच में इन्होंने 60-60 फैंटेसी पॉइंट दिया है, लेकिन लास्ट 2 मैच से फ्लॉप जा रहा है। आप रखना चाहते हो खराब ऑप्शन नहीं है, आप टर्क कर सकते हो। नीचे दोस्तों ग्रैंड लीग में मैं एक आपको डिक्सी ऑप्शन दे रहा हूँ, ध्यान रखना इस प्लेयर पर, नाम है एस लकित, कोई लेके नहीं आने वाला है आई नो, लेकिन जानते हो 2 ओवर बॉलिंग करेगा। अब यहाँ पर आपका लक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, यदि आप इनको टीम में रख रहे हो और ये विकेट ले लेंगे तो आपका कॉम्बिनेशन वन साइडेड जाएगा। यहाँ पे लक इसलिए फैक्टर है क्योंकि देखो कोई लेके आएगा नहीं, रिक्स जरूर है, लेकिन एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि ये 2 ओवर बॉलिंग कर रहा है। अब यदि आपका लक अच्छा होगा तो ये 12 बॉल में 2 विकेट आपको प्रोवाइड कर दिए तो फिर आपका क्लीन स्वीप करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस प्लेयर पर ध्यान रखना, मेरा काम है दोस्तों आपको बताना कौन सा प्लेयर आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। इस लकी 2 ओवर सभी मैच में बॉलिंग कर रहा है, विकेट इसको नहीं मिल रहा है, मैं दिखाना भी चाहूंगा। विकेट इसको देखोगे तो किसी मैच में मिला नहीं है, लेकिन बॉलिंग ये रेगुलर सभी मैच में कर रहा है। अब लास्ट ही मैच देखोगे तो इसमें भी भाई ने 2 ओवर ना कंप्लीट बॉलिंग किया, आप देखो 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग किया है, विकेट नहीं मिला है। अब बात करें दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्शन, तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से एफ खान मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, ठीक ना, और किसी को लो चाहे ना लो इनको ड्रॉप आउट मत करना। बहुत अच्छे बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, रेगुलर सभी मैच में विकेट ले रहे हैं और इस मैच में भी मुझे लग रहा है आपको स्टार्टिंग में 1 विकेट प्रोवाइड कर देंगे। फिर नीचे दोस्तों आपको जी रसूल का ऑप्शन मिलेगा, जे रसूल का लास्ट का 2 मैचों का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब रहा है दोस्तों, रिसेंट मैचों में जे रसूल का परफॉर्मेंस नीचे गया है। तो आप क्या कर सकते हो, यदि जे रसूल को आप ड्रॉप आउट करना चाहते हो तो आप इनको ड्रॉप करके अदर प्लेयर को भी कंसीड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम दोस्तों, ओके। फिर नीचेगा एम अतीब का ऑप्शन मिलेगा, अतीब को दोस्तों मैं अभी बैक कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना अतीब का भी कुछ उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और जर्मनी का जो टीम है ना वो स्ट्रांग है बैटिंग, उनके अतीब हमेशा आपको ओवर नंबर 1 करता है और इनके सामने ओवर नंबर 1 में इधर से जे खान रहेंगे, और यदि दोस्तों जर्मनी की टीम जोकबर के साथ ओपनिंग जाती है तो ये रहेंगे, नहीं तो दोस्तों इधर से ए वसीकरण रहेंगे। अब देखो ए अतीब विकेट किसका ले सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जे खान का ये विकेट ले पाएंगे, लेंगे तो वो दोनों में से किसी एक का ही लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इधर से इनको अभी रखा नहीं है, तो इसीलिए मैं इनको अतीब को बैक कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन को नहीं रख रहा हूं तो जो ऐसे बॉलर जो पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे वो तो आपके टीम में होने चाहिए ना, वही ना विकेट लेंगे। ए अंदर मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, लास्ट दोनों मैच में भाई ने 2-2 ओवर का बॉलिंग भी किया है, 2-2 विकेट आपको प्रोवाइड भी किए, मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, लेके जाइएगा। डब्ल्यू बी और एखान दोस्तों लास्ट कुछ मैच से खेल नहीं रहे इसलिए मैं इनको टीम में बैक नहीं कर रहा हूँ। मैं लास्ट ऑप्शन नीचे से एल बंस के साथ जा रहा हूँ, कल भी भाई पे मैंने रिक्स लिया था और भाई ने 2 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट प्रोवाइड किया था, निराश नहीं किए थे, 39 फैंटेसी पॉइंट दे के गए थे। अच्छे बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, इस मैच में भी मैं इनको बैक कर रहा हूँ क्योंकि यदि ये खेलेंगे तो 2 ओवर प्रॉपर आपको बॉलिंग करके देंगे। अब बात करें दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग हम लोग कैप्टन बीसी ऑप्शन, देखो दोस्तों जो सेफ ऑप्शन रहेगा इस मैच में कैप्टन बीसी के लिए वो रहेगा दोस्तों एच सलीमदार और दोस्तों एस अफरीदी, ये 2 हो गया दोस्तों सेफ ऑप्शन। अब बात करें नहीं मेरे को थोड़ा सा रिक्स लेना है तो आप दोस्तों जे खान और डे कोहली पे रिक सकते हो, ये दोनों रिक्सी ऑप्शन इसलिए क्योंकि यदि ये बैटिंग से फ्लॉप हुए तो बॉलिंग नहीं करते हैं, लेकिन ये जो 2 प्लेयर है यदि बैटिंग से फ्लॉप होंगे तो आपको 2 ओवर बॉलिंग भी करके देंगे, ठीक ना। तो ये हो गया दोस्तों 4 बेस्ट ऑप्शन इस मैच का कैप्टन बीसी। अब थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जाना चाहते हो, थोड़ा सा यार हटके जाना चाहते हो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, एफ खान पे रिक्स ले सकते हो, भाई ने परफॉर्मेंस रेगुलर सभी मैचों में बहुत अच्छा किया है। मैं अभी के लिए थोड़ा सा सेफ जाते हुए
एस खान अफरीदी को जूनियर को मैंने कैप्टन किया, वाइस कैप्टन मैंने सलीम दार को किया है। देखो दोस्तों, एस अफरीदी जूनियर का आई नो लास्ट दोनों मैच बहुत खराब रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ इस मैच में बेटर परफॉर्मेंस करे। आप चाहो तो कैप्टन भी रिवर्स भी कर सकते हो। अभी के लिए दोस्तों आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए, दो मेंबर तीन मेंबर, ठीक ना। और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि अभी तक आपने दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।